आज हम लेकर आए हैं 1.4 का जो है पार्ट टू वीडियो है, जिसमें पार्ट वन में हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा डिस्कस किए थे, उसको किस तरीके से सॉल्व होगा उसका वीडियो जो भी अपलोड है वो जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पार्ट टू में हम देखेंगे क्वेश्चन टू में ये देखना है हमें क्या करना है। सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर दिए गए प्रश्न में से उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा जो भिन्न हमारा शांत था उसको हमने क्या किया, ये शांत है ये अशांत है वो निकाल लिया। अब जो शांत है सिर्फ उसी को हल करना है, इसने ये बताया है। और क्या हल करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है और बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा, विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो एक चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, आपको समझा दें। पहला क्वेश्चन हमारा शांत वाला क्या था, दूसरे का पहला हम लेते हैं जो शांत हमारा ये था 13/2125। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको हम देखेंगे इसका क्या है भिन्न हमें निकालना है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मतलब इसको देखें, डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबी विधि जाएगी और डिवाइड करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। वही कह रहा है कि जो है इसको दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए और हमें यही विधि लगाना है, जो जो शांत होगा उसमें हम कैसे किस तरीके से आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे बिगर डिवाइड किए। तो अब देखिए क्या करना है, जो 2125 है, 2125 है सॉरी क्या है यहाँ पर 2125 है, इसको हम देखेंगे इसका जो है प्राइम फैक्टर क्या है उसको निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या तो पहले 5 से काट लेते हैं, देखिए 5 से कट रहा है तो यहाँ पर 5×6=30। ठीक है, अब 5×2=10, 5×5=25। फिर उसके बाद देखिए 5 से कट रहा, 5×1=5, 5×2=10, 5×5=25। फिर देखिए 5 से डिवाइड हो गया, 5×2=10, 5×5=25। फिर देखिए 5 से कट रहा है, 5×5=25। फिर देखिए 5 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ सभी संख्या क्या है कट गया। तो इसको हम इस तरीके से देखो लिखेंगे, 13 लिखेंगे यहाँ पे, बटे में क्या है 5 की पावर कितना लिखेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या को हमें 10 बनाना है, क्योंकि 10 बनाना ही हो इसलिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 32 है हमें यहाँ 10 बना ले, तो 10 से किसी में डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या तुरंत पता चल जाएगा, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, और जैसे कि 100 हो तो कितने अंक के बाद जीरो लग जाएगा, 2 अंक के बाद। इसी तरीके से हम बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 10 बनाना है किसी भी तरीके से। तो देखिए क्या करना है, एक फार्मूला हमारा होता है, जैसे कि a की पावर m हो, a की पावर n हो, ठीक है, यानी जिसका मान लो संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे ऐसे a की पावर m और b की पावर m, तो ये आपका क्या है नियम है, कौन सा नियम, घातांक का नियम, इसका गुणा होता है इसमें a गुणे b हो जाता है और इन दोनों के पावर क्या हो जाता है m। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए क्या करना है, इसमें हमें क्या कमी है 10 बनाने के लिए, 2 कमी है, तो यहाँ 2^5 ऊपर भी गुणा करेंगे और 2^5 नीचे। देखो इसका घात सेम है, देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ भी घात सेम होने के वजह से क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका एक घात इस पर लग जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 13 ये देखिए घास सेम है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 5×10 और 10^5 क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पर 2^5 का मतलब क्या हो जाएगा, 32, 2×4=8, 16×32। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 32 और 13 का गुणा करेंगे तो आएगा 416, और नीचे देखिए हमें ये पावर 10^5 है तो यानी 0 कितनी बार होना चाहिए, 5 बार, तो 0 5 बार हो गया। अब कोई भी नंबर होता है ना उसका जो दशमलव होता है यहाँ पर होता है, याद रखिए, जो किसी भी नहीं है तो यहाँ पर रहता है हमेशा। अब इसमें देखते हैं कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो दशमलव, हम लोग यहाँ पे 10 में कितने जीरो हैं, देखिए कितने जीरो हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो जब हम डिवाइड करेंगे जो ये वाला दशमलव है 5 अंक के आगे जाकर लगेगा जो लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 0, 0, 4, 6, 1, 6.0। देखिए अब यहाँ दशमलव था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, क्योंकि किससे डिवाइड किया है यहाँ पर 1,00,000 से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व हो गया, नहीं तो वैसे भी हमें डिवाइड यानी भाग करते तो बहुत लंबी विधि हो जाती, तो इस विधि से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सा आते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें है क्या है, 17/8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता ही है 2 का फैक्टर, यहाँ पे ये जो क्या है 8 है वो कितनी बार लिख सकते हैं, 2×2×2,
यानी 2 × 2 = 4 × 8 इतना हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17/2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसको 10 बनाने के लिए हमें क्या है, घात तो सेम लेना है, क्या गुणा, अब की बार 2 है क्या नहीं है 5, तो हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 5 का नीचे, लेकिन इसमें पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर आपको पावर क्या करना है सेम लेना है, जितना पावर इसमें है तभी मल्टीप्लाई होगा। देखिए घातांक का नियम है, जब पावर सेम होता है तो संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है गुणा। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 17, अब 5 की पावर 3 मतलब कितना हो, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 होगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8, सॉरी इसका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे 5 × 10 और 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 125 को जो है 17 बार गुणा कर लेते हैं हम लोग ऐसे, 125 में क्या है 17 से गुणा कर लेते हैं, सिंपल है, 5 × 7 = 14, 14 × 3 = 17, 7 × 1 = 7, 7 × 8 ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइम से जाना है तो 5, 2 और 1 ये ऐसे लिख देंगे, 5 उधार लेंगे 12 हो जाएगा, 10 × 1 = 11 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 = 21, 25 ठीक है। तो 17 और 125 का जब गुणा करेंगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा 2125 और नीचे देखेंगे 10 की पावर 3 है, तो यानी ये कितना लिख सकते हैं, कितने जीरो आ जाएगा इसमें, 3 जीरो यानी 1000। अब किसी भी नंबर का दशमलव हमेशा कहाँ रहता है, यहाँ, जहाँ नहीं होता तो इस साइड होता है ठीक है। अब जब इसमें हम डिवाइड करेंगे कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, तो ये दशमलव कहाँ आएगा, 3 अंक आ गए, 1, 2, 3 यानी यहाँ आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.125 कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आसान तरीके से हम किसी भी शान संख्या का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं इसी विधि द्वारा ठीक है। यहाँ पर हो गया ये क्वेश्चन आपका, दूसरे का दूसरा हो गया, अब दूसरे के तीसरे के बारे में बात करते हैं, कौन से क्वेश्चन है शांत, तो यहाँ पर शांत वाला ही लेना है, तो ये आपका है देख लेते हैं 15/1600। अब यहाँ पर इसका भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, सिंपल है, हमें सबसे पहले 1600 का क्या है प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर कुछ मतलब अभाज्य संख्या, पहले 2 से काट लीजिए, फिर भी 2 से काटिए क्या हो जाएगा 400, 2 से काटेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 5 और यहाँ पे 5, 25 × 25 इस तरीके से हम ऐसे आसानी से काट सकते हैं। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/ क्या है 2 कितनी बार है वो देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 5 कितने बार है 1, 2 यानी 5 की पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पर अब इसमें हमें 2 नंबर आ गए, अब क्या मल्टीप्लाई कराएंगे ये देखना है। तो आप जानते हैं ये वाला ज़्यादा है, ज़्यादा वाले को कराना नहीं है, ये 5 के पास 2 है, इसका पावर हम और 3 ला के कहीं से जोड़ देते हैं, नहीं 4 और कहीं से जोड़ देते हैं, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, तो इसमें 5 × 10 होकर मल्टीप्लाई करके 10 बना लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, कितना पावर इसमें कमी है 6 होने के लिए 4, तो यहाँ 5 की पावर 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 4 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है। इस तरीके से करने पर हमारे यहाँ ऊपर 15 हो जाएगा। अब इसका गुणा 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 और 125 × 5 = 625, तो ये आपका हो जाएगा 625 और यहाँ बटे में क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये 5 की पावर क्या हो जाएगा 4, 2, 6 ठीक है। अब देखो पावर सेम है तो ये वाली संख्या का मल्टीप्लाई आपस में करा सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 15 पहले इसका यहाँ पर इसको हम गुणा कर लेते हैं 625 में, किसका गुणा करना है 15 का, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, 5 × 5 = 25 यहाँ पर आएगा, 5 × 10 = 12 आ जाएगा, और 5 × 6 = 30, 30 × 1 = 31 तो यहाँ पर इसका करेंगे 5, 2, 6 तो यहाँ पर 5, 7, 3 और 9 ठीक है, यानी 9375 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9375 आ जाएगा। अब यहाँ पर आसानी से हम क्या कर लेंगे, 2 की पावर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम है, 5 × 10 की पावर क्या है 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9375 और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 कितने 6 जितने हैं उतने ज़ीरो लगाना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आप जानते हैं हमेशा की तरह दशमलव जिसमें नहीं होता कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है।
अब इसमें हम करेंगे तो कहाँ जाएगा, देखिए एक कितने हैं, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर 2 जीरो आपको लेना पड़ेगा जब आपको घटेगा संख्या। तो आप देखिए ऐसे लिखेंगे 0.009375, अब डिवाइड करेंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव यहाँ आएगा 6 अंक, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ भी ये क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उसको किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम मिटा देते हैं पहले, दूसरे का हम दूसरा और क्वेश्चन देखते हैं क्या किस तरीके से है जो शांत वाले हैं। और यहाँ पे देखिए चौथा एक है, दूसरे का चौथा देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है 23 लिखा हुआ है और नीचे लिखा है 2 की पावर 3 और यहाँ पे 5 की पावर 2, इस तरीके लिखा है, इसका भी हमें निकालना है। एक बात बताओ, इसमें मल्टीप्लाई जो कम वाला पावर होता है उसी करेंगे, तो 5 में 2 पावर है, इसको हम एक और दे देते हैं तो 3 हो जाएगा, तो ये पावर सेम हो जाती है। तो इसको हम 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नीचे, देखिए किसी भी नंबर पे अके वही करते हैं, तो इसमें पावर 1 होती है जो लिखा नहीं जाता लेकिन 1 माना जाता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 23 यानी 23 लिखा हुआ है और 2 की पावर क्या है 3, तो इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है। अब सेम हो गया, सेम हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर 5 है, इसको देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 15 हो जाएगा, 5 10 1 11, तो 115। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसको हम लिखेंगे 115, पावर कितना है 3 है, तो कितने 0 आएंगे, 3 आए, दशमलव यहाँ रहता है, आप डिवाइड करेंगे तो 0.115 हो जाएगा, 3 अंक के बाद 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से आपको कर लेना है। तो और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है जो शांत है, तो यह हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये भी हमारा शांत है लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा शांत है, लेकिन हम इसको फैक्टर करके पता कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6 अपॉन क्या है 15, ठीक है, दूसरे का हम मान लेते हैं 5वां है, तो इसको हम देख लेते हैं, ये भी हमारा शांत है, इसको कैसे करेंगे, पहले इसको फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 है, या आप लिखेंगे 2 × 3 × 5, यानी क्या होगा 3 × 5 = 15 यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, हमारे शांत होने के लिए कंडीशन क्या होता है, हर में या तो 2 हो या तो 5 हो और कोई संख्या ना हो, यहाँ 3 भी आ रहा, तो 3 आ रहा तो पहले देखो कट रहा है क्या, 3 नीचे, तो आप आसानी से यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो इसको भाग देना, तो इसमें गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसको गुणा करके बताइए, देखिए इसको 10 बनाना है तो क्या गुणा करोगे, सिंपल है, 2 का गुणा करो, 2 × 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, 10 से भाग करोगे तो 0.4 आ जाएगा, इस तरीके से आपको सिंपल से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे चलते हैं हम देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, और कोई शांत संख्या है तो 35/50 यहाँ पर देखते हैं, ये वाले का है क्या 35/50, अब देखते हैं ये शांत है कि नहीं है, तो ये हमको लग रहा शांत है क्योंकि 50 का फैक्टर देखते हैं, पहले आप 2 से काट सकते हो उसको, तो ये 25 आएगा, फिर 5 से काट सकते हो, ठीक है, यानी ये भी आपका क्या है शांत है, तो यहाँ पे लिखेंगे 35/2 और 5 की पावर क्या लिखेंगे 2, अब बताइए यहाँ पर 2 एक बार है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे हम 2 का, क्योंकि 2 कम है इसमें, तो 35 दूना क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2 गुणे और 5 की पावर 2 हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 70 यहाँ पर 5 × 10 की पावर 2, तो आपका हो जाएगा 70/ क्या हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा 10/, तो ये आपका 0.7 हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं वो तीसरा क्वेश्चन है, तो आपको इसमें चेक करना है कौन सा जो है P/Q के रूप में है, कौन सा अभाज्य संख्या है इसमें, तो यहाँ पर तीसरा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, यहाँ से आपका ये प्रश्नावली और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं तीसरे का, पहले वाला देखिए 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 6 7 8 9, एक आपका ये दिया हुआ इस तरीके से लिखा है 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 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
अरे एक क्वेश्चन दिया है आपको, 4.31234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कौन सी संख्या पर में है, कौन सी अपर में है। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है वो एक निश्चित मान पर क्या होता है, वो पूरा पूरा जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये 4.31 ये करते करते यहाँ 9 तक गया है, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लिखा है, तो यानी ये तो आपका क्या है, सबसे पहले तो ये शांत है, शांत है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये डैश 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 अनंत तक है, तो यहाँ पर ये भी ये हमारा अपरमेय संख्या है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये कौन सा अपरमेय संख्या है वो देखिए, ये देखिए अनावर्ती संख्या है, यानी जो संख्या एक संख्या होती है जो रिपीट चलती है, ये संख्या रिपीट नहीं हो रही, देखिए क्या हो रहा है, 1 2 के बाद 1 0, फिर 1 2 के बाद 0 0 के बाद 1 2 आ रहा है, फिर 3 बार 0 आ रहा है तब 1 2 आ रहा है, तो ऐसी जो संख्या रिपीट होता है वो उसको बोलते हैं अनावर्ती संख्या, एक जो लगातार रिपीट होता है उसको आवर्ती बोलते हैं, जो ऐसे बीच बीच में गैप करके जो संख्या बढ़ती है उसको हम बोलते हैं अनावर्ती संख्या, ये है लेकिन अपरमेय है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्या है, मतलब 1 2 3 ये ऐसे सेम चल रहा है अनंत तक, जो अनंत तक चलता है वो उसके ऊपर बार लगा है, तो हम जिस पे बार लगा रहता है ना वो भी परमेय संख्या होता है, ये अपरमेय है, एक चीज़ याद रखना, ये परमेय है अपरमेय, ये आपका क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों इस ये परमेय संख्या हो जाता है, तो इसका आप लोग पढ़े ना कि किसी भी नंबर में जैसे 0 पॉइंट ऐसे लगा है, बार लगा है, बार हटाने के लिए आप क्या करते हैं, 9 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 1 3 3 3 का 9 यानी 1/3, तो 1/3 भी परमेय संख्या हो जाएगा ना, तो जो संख्या लगातार रिपीट होती रहती है ना उसको हम परमेय कहते हैं, ठीक है। बस यही बताना था इसमें, और कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। और जैसा भी ये वीडियो लगा होगा आपको, और ये चैप्टर जैसे पूरा हमने सॉल्व कराया, आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे आप जो है सीरियल वाइज से आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा भी लगा होगा आप कमेंट बताइए। थैंक यू सो मच।